हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको ट्रीच अप हेल्थी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये हेयर ऑयल आपके बालों को किस तरीके से फ़ायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इस तेल का रिव्यू करेंगे। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे जो भी हम नई नई वीडियो डालते हैं वो आपके पास उनका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपन इस तेल का रिव्यू कर लेते हैं। तो गाइस ये जो ट्रीच अप हेल्थी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल है वो मार्केट में आपको शैम्पू की फॉर्म में भी मिलता है। दोनों के गाइस एक ही प्रकार के बेनिफिट होते हैं जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करते हैं। ये जो तेल है गाइज ये भी आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा कड़क हैं, या फिर आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है, सबसे पहले तो गाइज डैंड्रफ को बालों में से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि गाइज अगर आपके बालों में डैंड्रफ होगा तो आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, फ्रीजी होंगे और आपके बालों में इचिंग भी होगी और आपके चेहरे पर कील मुहासे भी हो सकते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो प्लीज़ गाइज इस तेल का ज़रूर इस्तेमाल करें जो कि आपके बालों में से डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। 100% गारंटी तो नहीं लूँगी गाइज मैं, पर 80% तो गाइज ही आपके बालों में से डैंड्रफ को निकालेगा जिसके कारण हेयर फॉल धीरे धीरे कम होने लगेगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं गाइज, बहुत ही अच्छा तेल है जो जिसको लोग बहुत परचेज भी करते हैं, ख़रीदते हैं इसको। इसका प्राइस भी ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इसका 200 ml की बोतल लेते हैं तो 225 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर गाइस जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं वो सारे नेचुरल्स हैं जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके बालों की केयर करते हैं। बालों का सीक्रेट है ये तेल। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में कोकोनट ऑयल, सीसम, एलोवेरा और नीम प्रेजेंट है। नीम के बारे में तो आप जानते हैं गाइस, जो कि इन्फेक्शन को दूर करता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो इसी प्रकार ये तेल के अंदर जो नीम मिलाया गया है वो क्या करता है, आपके डेंड्रफ को ख़त्म करता है। इसके अंदर गाइस एंटी फंगल गुड़ पाए जाते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को दूर करते हैं और जो बालों में होने वाली खुजली है उससे आपको राहत देने में मदद करते हैं। इस तेल का इस्तेमाल गाइस आपको हफ्ते में 2 बार करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बाल पाना चाहते हैं तो इस तेल का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो गाइस ये तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अमेज़ॉन से या फिर नायका से परचेज कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो गाइस आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है। गाइज अगर बाई चांस ये तेल आपको मार्केट में नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक भी शेयर की हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये जो तेल है गाइज वो न केवल आपके बालों को झड़ने से रोकेगा बल्कि गाइज ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव भी करता है। अगर आप इस तेल की मालिश करेंगे बालों की जड़ों में तो ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहेगा जिसके कारण आपका दिमाग भी सही रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, आपकी बालों की ग्रोथ होने लगेगी, बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे बाल एकदम नेचुरली तरीके से, आर्टिफिशियली तरीके से नहीं, बिल्कुल नेचुरली तरीके से ही ग्रोथ करने लगेंगे। इसके अंदर गाइस जो भृंगराज प्रेजेंट होता है इंग्रेडिएंट के रूप में वो क्या करता है, आपके बालों को नेचुरल कलर लेके आता है, बालों में एक बहुत ही अच्छा चमक लेके आता है आपके बालों में जिसके कारण आपके बाल खूबसूरत दिखाई देने के साथ साथ बाउंसी भी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। क्योंकि गाइस अगर आपके बाल सुंदर होंगे तो आप खुद ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। तो बालों की डेंसिटी ज़्यादा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पतले बाल भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो बाल लंबे घने होना अच्छा लगता है, ज़्यादा सही लगता है। तो ये तेल उसी तरीके से काम करता है। अगर आप शैम्पू का भी इस्तेमाल करना चाहें तो शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी गाइज यही बेनिफिट है। और वो क्या करता है, वो भी आपके बालों को जो हेयर फॉल है उसे रोकने में मदद करता है, वो भी बहुत ही अच्छा शैम्पू है। तो और इसका प्राइस भी अफोर्डेबल है गाइज, प्राइस आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, या फिर बालों में डेंड्रफ है, या फिर बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस तेल का इस्तेमाल करना ना भूलें। और अगर गाइज आप इस तेल का इस्तेमाल करने से आपके बाल और भी ज़्यादा झड़ते हों तो उसी टाइम इस तेल को लगाना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर करें।
तो गाइज आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइज बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइज अगर आपको ट्रीचअप हेयर ऑयल के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन पर प्लीज़ प्रेस कर दें। धन्यवाद।